से नर्क की ओर भागती हुई दुनिया दूसरी तरफ। प्रभु की वाणी है, अब समय और विलंब ना करेगी। इन अंतिम दिनों की सेवकाई में क्या सिर्फ बुजुर्गों और युवाओं का ही कार्य है? क्या छोटे बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। योएल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन में किसके बारे में कहा गया है? देखो, प्रभु की आत्मा बच्चों पर उंडेली जाएगी और वो दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। सामर्थ्य का प्रकट होना और उनके द्वारा सामर्थ्य प्रकट की जाएगी। योएल के दूसरे अध्याय के 28वें वचन में, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 17वां वचन, भजन संहिता 8वां अध्याय 2रा वचन, मत्ती 21वां अध्याय 16वें वचन में यह कहा गया है, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, नवजात शिशु से लेकर 12 साल के बच्चों के माध्यम से प्रभु इस दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं। वो वाणी क्या अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता के अभिषेक को आज के बच्चों पर उंडेला जाएगा? क्या प्रभु उनके द्वारा बात करेंगे? यहाँ आप ही देखिए और सोचिए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। प्रभु के इन शब्दों ने दुनिया भर के बच्चों पर महान रूप से असर किया है। ये एक जंगल की आग की तरह जल रहा है जिसे पानी तक नहीं बुझा सकती। भविष्यवक्ताओं के शिविर में ही है। हर साल स्कूल की छुट्टियों के दौरान मई महीने में 5 दिनों का ये शिविर आयोजित किया जाता है। इसमें तकरीबन 500 बच्चे ने हिस्सा लिया है। इस शिविर में सभी जगहों से बच्चों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया है। सारी जगहों से यहाँ पर बच्चे आते हैं। अयनावरम चेन्नई का बेथेल मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल बच्चों और उनके माता पिताओं से पूरी तरह से भर गया था। बाहर आग उगलता हुआ सूरज होने के बावजूद भी शिविर के छोटे बच्चों के चेहरे ऐसे दिख रहे थे जैसे कि किसी ठंडे बगीचे में फूल खिलखिला रहे हों। शिक्षक और आराधना के लीडर्स जिन्हें इस शिविर के लिए तैयार किया गया था, वे सभी लीडर्स आकर्षित गणवेश में चमक रहे थे। वे आराधना के समय कूद रहे थे और प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे। विभाजन किया गया और उन्हें प्रभु के कवच के बारे में सिखाया गया। Thank you.
अभिषेक की आराधना के सभा के वक्त प्रभु ने चमत्कारिक काम किए। प्रभु यीशुआ ने आखिरी दिनों के भविष्यवाणी के अभिषेक से बच्चों को पूरी तरह से भर दिया था। अभिषेक से पूरी तरह बच्चे भरे हुए थे और अन्य भाषा में उन्होंने प्रार्थना की। बच्चों की आत्मिक आंखें खुल गईं और उन्होंने आश्चर्यकारक स्वर्गीय दर्शन देखे। आज हम उन्हें एक एक करके मिलने वाले हैं, तो क्या हम इसकी शुरुआत एक छोटी बच्ची से करें? जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु यीशुआ ने मुझसे बात की और प्रभु यीशुआ मुझे स्वर्ग लोक लेकर गए और उन्होंने वहाँ मुझे शहीदों का पोशाक भी दिया और फिर उन्होंने मुझे वो पोशाक पहनने के लिए कहा और शैतान को मारकर वापस आने के लिए कहा। मैंने शैतान को मारा और वापस आ गई। मैं इस दर्शन के लिए प्रभु यीशुआ का धन्यवाद करती हूँ। मैंने प्रभु यीशुआ को देखा, उनका चेहरा बहुत तेजस्वी था और वो मुझे ऐसी जगह लेकर गए जहाँ बहुत सारे फूल थे और फूल प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने शेर को मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए महसूस किया। प्रभु यीशुआ सिंहासन पर बैठे हुए थे और प्रभु यीशुआ के अगल बगल में दो स्वर्गदूत खड़े थे और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो प्रभु के इर्द गिर्द और उनके सामने खड़े थे। प्रभु यीशुआ ने हर एक बच्चे को एक एक ताज दिया था। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरी आत्मा को स्वर्ग लोक में ले जाया गया था। प्रभु यीशुआ ने मुझे योद्धा का पोशाक दिया। मैंने प्रभु यीशुआ से पूछा कि उन्होंने मुझे योद्धा का पोशाक क्यों दिया, तो प्रभु ने कहा जाओ और शैतान को खत्म कर दो, इसलिए तुम्हें योद्धा का पोशाक दिया गया है। जब मैंने उसे पहना, उसमें एक बड़ा सा छेद था। मैंने प्रभु यीशुआ से पूछा कि इस छेद का क्या करना है, तो प्रभु यीशुआ ने कहा मैं तुम्हें पंख दूंगा और तुम उन पंखों का इस्तेमाल करना। मैंने प्रभु ने दिए उन पंखों का इस्तेमाल करके उड़ गया और वहां पहुंचने के बाद एक दरवाज़ा था और जब दरवाज़ा खुला तो वहां एक शैतान खड़ा था और जब मैं शैतान को खत्म करने वाला था तब वहाँ एक आग उगलता हुआ ड्रैगन आया था। फिर मैंने ड्रैगन को मारा और स्वर्गलोक चला गया और फिर मैंने प्रभु यीशुआ से कहा कि मैंने ड्रैगन को मार दिया है और शैतान को मार दिया है। तो प्रभु यीशुआ ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रभु यीशुआ ने स्वर्गदूत से जोशुआ के किताब में से मेरे लिए अच्छा लिखने के लिए कहा और उन्होंने लिखा। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया स्वर्गलोक से और भी आमीन। स्वर्गदूत मुझे स्वर्गलोक लेकर गए थे और जब वहाँ पहुँचे तो शैतान वहाँ मेरे सामने खड़ा था। प्रभु ने मुझे एक योद्धा का पोशाक दिया और शैतान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया।
शैतान ने कहा तुम मुझे नहीं हरा सकती, तुम्हारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है। और फिर प्रभु ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मैं प्रार्थना करती रही और प्रभु ईश्वर ने मुझे शक्ति दे दी। शैतान मेरे सामने खड़ा था, मैंने उसे हराया और वापस आ गया। सुंदरी आंटी हमारे सामने खड़ी थी, मैं प्रार्थना कर रही थी और हमें ये बातें बता रही थी, तब उन्होंने कई सारी बातें मेरी आंखों के सामने होते हुए नजर आ रही थी। मैंने देखा कि स्वर्गदूत सबके साथ नाच रहे थे, मेरे साथ भी नाच रहे थे। मैं जिस जगह पर बैठी थी उस जगह शैतान मेरे सामने खड़ा था और मेरी एक बाजू में तलवार थी और दूसरी बाजू में एक कांच था जिस पर प्रभु यीशु का लहू लगा हुआ था। मैंने वो लहू उसके ऊपर छिड़का और उसे काट दिया। पहले मैंने प्रभु यीशु को देखा, फिर प्रभु यीशु मुझे स्वर्ग लोक लेकर गए और वहाँ पर शैतान खड़ा था। प्रभु ने मुझे तलवार दी, मैंने शैतान को काटा और वापस आ गई। मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ और मैं नीचे गिर गई। जब मैं स्वर्गलोक गई और वहाँ नीचे बैठी, तब मेरे पास योद्धा का पोशाक नहीं था। फिर स्वर्गदूतों ने मुझे एक बॉक्स की तरह घेर लिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर बाद में शैतान एक तलवार लेकर वहाँ पर आया और कुछ दूर आते ही वो चल नहीं पा रहा था। मैंने प्रभु ईश्वर से पूछा कि ऐसी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तब प्रभु ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, किसी से मत बताना। मैंने तुम्हें स्वर्गदूतों के साथ एक बॉक्स की तरह घेर लिया है और वे शैतान या फिर किसी और के लिए बिल्कुल ही अदृश्य है। और जब मैंने फिर से आराधना करना शुरू किया, तब मुझे फिर से अभिषेक प्राप्त हुआ और मैं फिर से नीचे गिर गई और प्रभु ईश्वर ने मुझे एक भेंट दी। जब मैंने वो भेंट खोली तो उसमें एक योद्धा का पोशाक था और उसमें पोशाक के साथ साथ एक पत्र भी था। और प्रभु ईश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें एक पोशाक दिया है और उसमें एक पत्र भी लिखा हुआ था, ये ड्रेस पहनो और शैतान के विरुद्ध लड़ाई करो। फिर मैंने योद्धाओं का पोशाक पहना, शैतान को हराया और वापस आ गई। फिर मैंने प्रभु ईश्वर से कहा कि आपने दिए हुए योद्धाओं का पोशाक मैंने पहना, शैतान को हरा दिया है। प्रभु ईश्वर ने कहा कि शैतान एक चिप लाने वाला है, अगर तुम वो चिप अपने हाथों में लगाती हो तो तुम्हारी हाइट वेट नाम वगैरह एक मशीन में सब कुछ दिखाया जाएगा, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर तुम वो चिप नहीं लगाती हो तो शैतान तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैर काट देगा, उसे काटने दो। अगर तुम वो चिप ले लोगी तो तुम स्वर्गलोक नहीं आ सकती, तुम शैतान के साथ ही रहोगी। तुम्हें वो चिप नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें बहुत से चर्च में जाकर इसकी गवाही देनी चाहिए, ऐसा मुझे प्रभु यीशु ने कहने के लिए कहा। மீதில் வருகிறார் நீதியின் சூரியன், நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார் ராஜாதி ராஜா. அவர் மேகமீதில் வருகிறார் நீதியின் சூரியன், நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். உலகத்தின் கண்கள் யாவும் அவரை காணும், இதயத்தின் துடிப்பு இரண்டு மடங்காய் மாறும். உலகத்தின் கண்கள் யாவும் அவரை காணும், இதயத்தின் துடிப்பு இரண்டு மடங்காய் மாறும். அவரை குத்தினோர் கண்டு கலங்குவார், பூமியின் சோத்திரம் புலம்பி கதறுவார். அவரை குத்தினோர் கண்டு கலங்குவார், பூமியின் தோத்திரம் புலம்பி கதறுவார். ராஜாதி ராஜா அவர் மேகமீதில் வருகிறார் நீதியின் சூரியன், நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். ராஜாதி ராஜா அவர் மேகமீதில் வருகிறார் நீதியின் சூரியன், நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார்.
அண்ணாந்து போய் நிக்கிறேல என்னாச்சு, அண்ணாந்து பாக்குற அண்ணாச்சு, நீங்க அசந்து போய் நிக்கிறேல என்னாச்சு. உங்க கண்ணுக்கு முன்னால வானத்துக்கு போனவர் மறுபடி திரும்ப வர போறாரு. உங்க கண்ணுக்கு முன்னால வானத்துக்கு போனவர் மறுபடி திரும்ப வர போறாரு. அந்த காலம் வந்துருச்சு, அந்த வேளை வந்துருச்சு, அந்த காலம் வந்துருச்சு, அந்த வேளை வந்துருச்சு. ராஜாதி ராஜாவர் மேகம் இதில் வருகிறார், நீதியின் சூரியன் நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். ராஜாதி ராஜா அவர் மேகம் இதில் வருகிறார், நீதியின் சூரியன் நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். உங்களை ரச்சித்தாசி தந்தவர், நன்மைகளை செய்தவர் நடுவானத்தில் வர போறாரு. உங்களை ரச்சித்தாசி தந்தவர், நன்மைகளை செய்தவர் நடுவானத்தில் வர போறாரு. அந்த நாளும் வந்துருச்சு, அந்த நேரம் வந்துருச்சு, அந்த நாளும் வந்துருச்சு, அந்த நேரம் வந்துருச்சு. ராஜாதி ராஜா அவர் மேகமீதில் வருகிறார், நீதியின் சூரியன் நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். ராஜாதி ராஜா அவர் மேகமீதில் வருகிறார், நீதியின் சூரியன் நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். உனக்கு நம்பிக்கையின் தேவன் தானே அத்தாச்சி. இயேசுவ மறுதலியாமல் வாழ்ந்து எதிர்த்து நின்னு போராடு, கிருபையை இழக்காமல் காத்திடு. இயேசுவ மறுதலியாமல் வாழ்ந்து எதிர்த்து நின்னு போராடு, கிருபையை இழக்காமல் காத்திடு. ராஜன் இயேசு வருகிறார், உன்னை தேடி வருகிறார். ராஜன் இயேசு வருகிறார், உன்னை தேடி வருகிறார். ராஜாதி ராஜா அவர் மேகமீதில் வருகிறார், நீதியின் சூரியன் நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். ராஜாதி ராஜா அவர் மேகமீதில் வருகிறார், நீதியின் சூரியன் நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். உலகத்தின் கண்கள் யாவும் அவரை காணும், இதயத்தின் துடிப்பு இரண்டு மடங்காய் மாறும். உலகத்தின் கண்கள் யாவும் அவரை காணும், இதயத்தின் துடிப்பு இரண்டு மடங்காய் மாறும். அவரை குத்தினோர் கண்டு கலங்குவார், பூமியின் கோத்திரம் புலம்பி கதறுவார். அவரை குத்தினோர் கண்டு கலங்குவார், பூமியின் கோத்திரம் புலம்பி கதறுவார். ராஜாதி ராஜா அவர் மேகமீதில் வருகிறார், நீதியின் சூரியன் நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். ராஜாதி ராஜா அவர் மேகமீதில் வருகிறார், நீதியின் சூரியன் நியாயம் தீர்க்க புறப்பட்டார். प्रभु यीशुआ यहूदा के सिंह की तरह दिखे, और फिर मैंने एक शैतान को देखा और प्रभु यीशुआ ने मुझे एक तलवार दी, मैंने तलवार से शैतान को काट दिया। प्रभु यीशुआ ने मुझे एक ऐसा दर्शन दिखाया, प्रभु यीशुआ मुझे स्वर्ग लोक लेकर गए और अपने मुंह से प्रभु यीशुआ ने एक तलवार निकाली और वह शैतान मेरे सामने खड़ा था और यहूदा के सिंह ने मेरे मुंह में एक तलवार रखी और उसे भेज दिया। ऐसे तलवार रखी थी, हाँ ऐसे। ओ, देख तुम्हारे मुंह में रखी तलवार से तुमने शैतान को मारा। ओ, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, इसने कितना अच्छा दर्शन देखा है। और बताना बाकी है तो बताओ। फिर उन्होंने मुझे स्वर्गदूतों से मिलाया और उन्होंने मुझे पंख भी दिए। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु यीशुआ मेरे पास आए, मुझे स्वर्गलोक लेकर गए। मुझे स्वर्गलोक ले जाने के बाद उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। मैंने योद्धाओं का पोशाक पहना और शैतान को मार दिया। मैंने उसे मारने के बाद प्रभु
प्रभु यीशुआ मुझे नरक लेकर गए। उन्होंने मुझे शैतान को काटने के लिए कहा। जब मैं काट रहा था तब प्रभु यीशुआ मुझे ऊपर ले गए और मुझे सब कुछ दिया। जब वो दे रहे थे तब मैं वहाँ खड़ा था और मैंने शैतान को काट दिया। उसे काटने के बाद मैं वहाँ से नीचे वापस आ गया। जब मैं आराधना कर रही थी तब शैतान मेरे सामने खड़ा हो गया। जब एक दिन मैं प्रभु यीशुआ की प्रार्थना कर रही थी तब वो नीचे आए और उन्होंने मुझे एक भेंट दी थी और जब मैंने वो खोली तो उसके अंदर एक योद्धाओं का पोशाक था। फिर मैंने वो योद्धाओं का पोशाक पहना और शैतान को काट दिया। और जब मैं उसे मार रही थी तब प्रभु यीशुआ ने मेरे परिवार के सारे सदस्यों को आशीर्वाद दिया। देख लिया, इन सारे छोटे बच्चों के अनुभवों और गवाहियों को देखकर हम तो हक्के बक्के रह गए। ये सिर्फ कोई कहानियाँ या फिर कल्पनाएँ नहीं हैं। उन्होंने अपने निष्पाप जुबान से हमें बताया कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और क्या अनुभव किया। इन छोटे बच्चों की गवाहियाँ हमें बता रही हैं कि अब और समय नहीं है, हमें देर नहीं करनी है। प्रभु यीशुआ बहुत ही जल्द पृथ्वी पर आने वाले हैं। उनके लिए हमें तैयार रहना है, इसलिए प्रायश्चित करें। स्वर्ग लोक का राज्य अब बहुत ही करीब आ गया है। आमीन। इसी तरह अगर आपके बच्चे का भी आत्मिक अनुभव है तो हमें इसके बारे में तुरंत लिखकर भेजिए और अगर उसने दर्शन देखा हो तो वो भी अनुभव लिखकर भेज दीजिए। हमारा पता है मल्लक कुटीर, एंजल टीवी, बिल्ली बक्का, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। और ईमेल आईडी है mallak.kutis@angeltv.org।